हर व्यक्ति कथा मंडप में आ भी नहीं सकता। अगर तमोगुण का उत्कर्ष है चित्त में तो कथा बर्दाश्त नहीं होगी, सहन ही नहीं होगी, कथा मंडप तक आ नहीं सकता। रजोगुणी व्यक्ति कथा मंडप में आ जाए, कदाचित बैठ भी जाए, सुन नहीं सकता, कदाचित सुन भी ले तो उसको पचा नहीं सकता, क्योंकि रजोगुण का जब उत्कर्ष होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो सत्य का असत्य का निर्णय करने में सक्षम नहीं होती, उचित अनुचित का निर्णय करने में भी सक्षम नहीं होती। तमोगुणी जीवों की तो बात ही नहीं है, वो तो पशुवत होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन तक उनकी गतिमति होती है, लेकिन रजोगुण का उत्कर्ष भी हो तो विक्षिप्त चित्त से कथा को सुनना, समझना, पचाना बहुत मुश्किल है। जब चित्त में सतोगुण का उत्कर्ष होता है तो समझ में आता है कि भगवान की कथा का महत्व क्या है, तो ही समझ में आता है कि श्री रामचरितमानस क्या है। देखो एक बड़ी अच्छी बात किसी साधु के मुख से सुनी ही आपको बता रहा। साधुओं में एक भाषा है, जब आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं, भैया आपने कितनी नौका भर ली। नौका माने नाव, आपने कितनी नौका भर ली। कोई साधु कहता है भैया मेरी तो एक भी नहीं भरी, कोई बोलता है मैंने एक भर ली दूसरी भर रहा हूं, कोई बोलता है मैंने तीन भर ली चौथी भर रहा हूं। तो एक नौका भरने का अर्थ ये है कि जिसने 9,99,999 भगवान नाम का जप कर लिया, मतलब लगभग 1 अरब, इतने भगवान नाम का जप जिसने कर लिया तो उसने एक नौका भरी। आप सोचिए कितना मुश्किल है। हम मंत्रों का ये प्रभाव है, कोई मंत्र आप अगर जपने लगे तो जो मंत्र जपते हैं उनको इसका अनुभव होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई इसमें साधक भी बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे होंगे। ऐसे तो मेरा ये मानना है कि कथा मंडप में जो भी स्त्री या पुरुष यहाँ आकर बैठे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं वो सामान्य जीव तो नहीं है, वो पूर्व जन्म के कोई साधु संत और बहुत साधना करने वाले जीव ही हैं, जो इस संसार में भूले भटके आए हैं, और उनके कथा सुनने के संस्कार उनके चित्त में हैं, चित्त में सतोगुण का उत्कर्ष है, तभी वो आए हैं, तभी वो सुन रहे हैं। तो मंत्र का जब हम जप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र का सांसों में लय होना शुरू हो जाता है, प्राण के साथ मंत्र का लय होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे प्राण के साथ मंत्र का लय शुरू होता है वैसे वैसे एकाग्रता बढ़ती है, और धीरे 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 मन केंद्रित होने लगता है,
मन केंद्रित होने का मतलब है मन एक जगह स्थिर होना। मन एक जगह स्थिर होता नहीं। आप सब यहां बैठे हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सबका मन यहां केंद्रित हो। इसलिए मैं कथा में कहता हूं कि जितनी देर आप बैठे हो उतनी देर के लिए कम से कम अपना मन ठाकुर जी को दे दो। भूल जाओ दुनिया का प्रपंच तो लगा ही रहे। कल मुकदमे की तारीख है तो ठीक है, जो होना होगा होगा। कल और भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम है, बिजनेस के, व्यापार के, घर के, गृहस्थी के होंगे। कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और ऐसे भी यहाँ घर की गृहस्थी का चिंतन करके क्या कर लोगे, शत्रु का मित्र का चिंतन करके क्या कर लोगे। मन को समझाओ मिया, मन को बटोरो और कथा मंडप में जब तक हो 3 घंटे ठाकुर जी को दे दो। अगर ऐसे मन लगा करके कथा सुनी जाए तो इस कथा से ही चित्त का शोधन हो जाता है। कल मैंने चर्चा की थी, हमारा मन बीमार है, मन में अनियंत्रित कामना है, वासना है, अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, ये हो जाए वो हो जाए। मन में अनंत कामनाएं हैं, अनंत वासनाएं हैं, मन में क्रोध है, मन में लोभ है, मन में अहंकार है। तो काम क्रोध लोभ अहंकार ये मन की बीमारियां हैं, अंतःकरण की बीमारियां हैं। और इन्हीं बीमारियों को दूर करने की औषधि है भगवान की कथा। और इसका बड़ा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, ये कोई करे तो समझे। धीरे धीरे कथा का श्रवण करते 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 मन एकाग्र होने लगता है। मन की एकाग्रता को ही कहते हैं ध्यान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो जितनी देर के लिए मन एकाग्र हो गया उतनी देर का आपका ध्यान हो गया। और ध्यान की गहरी स्थिति का नाम है समाधि।